MP70 7 पैरा मॉनिटर, राइट हैंड साइड में यहाँ पर पावर केबल जो है वो लगा सकते हो आप। यहाँ पर ये पावर केबल यहाँ लगाना है, ये क्लोज होके यहाँ नीचे के साइड चला जाएगा, लॉक भी हो जाएगा ये। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये मॉड्यूलर है, ये मॉड्यूल आप कौन सा भी लगा सकते हो, 7 पैरा भी लगा सकते हो, 6 पैरा भी लगा सकते हो। अभी हमने 6 पैरा मॉड्यूल लगाया है। ऐसा स्लीप 15 इंच की स्क्रीन है, ये बिग फ्रंट स्क्रीन के साथ है मशीन MP17। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे रोटेटेबल नॉब है जो आप कहीं पर भी घुमा के ले जा सकते हो। NIBP सेटिंग करने के लिए अगर ले गया NIBP में तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ NIBP में कौन कौन से सिस्टोलिक डायस्टोलिक हाई लो लिमिट जो है कौन सी सेट किया है, अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको दबा के ये 135 कर दिया तो 135 हो गया। तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो सारी सेटिंग, और टच भी है यहाँ पर, ऐसे टच भी कर सकते हो, टच करके आप ये सेव कर सकते हो अगर टच करना है। NIBP में अगर आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है तो रिपीटेशन टाइम भी है, आपको ऑटोमेटिक यहाँ मैनुअल करना है तो आप मैनुअल भी कर सकते हो। यहाँ पर अभी सारे पैरामीटर दिखा रहे हैं, सब पैरा मॉनिटर लगा के रखे हैं हमने। डिस्प्ले भी बड़ी है, मशीन की कंडीशन भी अच्छी रहती है। ये रिफर्बिश मशीन आते हैं पर इसका कंडीशन भी अच्छा है। आपको यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है, टच पैनल है ये, तो ये टच करके आप NIBP यहाँ से ले सकते हो। NIBP मेजरमेंट स्टार्टेड यहाँ पर लिख के आ गया, और स्टॉप करना है तो यहाँ से भी आप स्टॉप कर सकते हो। आपको और भी सेटिंग है यहाँ पर, राइट हैंड साइड में जाके चेंज स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप स्क्रीन बिग नंबर स्क्रीन देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी सारे सेटिंग जो है, अगर रिस्पिरेटरी रेट में जाना है तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो उसके सेटिंग ओपन हो जाएंगे। कुछ अप डाउन करना है तो यहाँ से करके आप सेव कर सकते हो। बाकी मेन स्क्रीन है, आप कहीं पर भी चले गए और आपको ये रिटर्न आना है तो ये मेन स्क्रीन दबाओगे तो कर सकते हो। अभी मेन स्क्रीन का क्लिक करोगे तो मेन स्क्रीन आ जाएगा। बाकी अलार्म साइलेंट के लिए है, अलार्म का कुछ भी साइलेंट करना है तो अलार्म यहाँ से साइलेंट हो जाएगा। अलार्म पाउस के लिए ये वाला है, बैक के लिए ये बटन है।